कालाकोट और सुंदरबनी के सेंट्रल प्लेस सियोट में बनता है, जिसमें कालाकोट के लोगों को भी फायदा है और सुंदरबनी के लोगों को भी फायदा है, नुशहरा के लोगों को भी उसमें फायदा है। तो ये वोटों की सियासत इलेक्शन में ना की जाए, और उससे आप स्पष्ट होता है कि जो यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं जितने भी, चाहे वो सुंदरबनी कालाकोट के हो, वो दबे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और उसने आप देखिए कि नुशहरा में उन्होंने ये बात बोली, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो नुशहरा वाली तरफ देख रहे हैं। और सुंदरबनी और कालाकोट के साथ पहले भी नहीं किया पीजीपी ने, और अब भी करने जा रही है। तो मेरी यहाँ पे सब लोगों से गुजारिश होगी, सुंदरबनी के नौजवानों से, कालाकोट के नौजवानों से और बुजुर्गों से, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी सप्ताह में अभी पावर में नहीं आई, और उनके क्या बयान आ रहे हैं। पावर में तो वो नहीं आएंगे, आपको पता ही, यहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी यहाँ पे। पर देखिए, अगर कुछ यहाँ से अगर आप उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं, तो उनके बयान देखो अभी शुरू हो गए नुशहरा के लिए, तो सुंदरबनी और कालाकोट को आज ही इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने यहाँ पे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं जो मेन मुद्दा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि सुबह हमारे जो पीर मुर्शिद है और हमारे लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमपी है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मियां अल्ताफ लारवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिए है, जिसमें उन्होंने बयान मेरे लिए दिया, साथ में सुरेंद्र चौधरी साहब के लिए दिया और बाकी अलायंस कैंडिडेट के लिए दिया। और उन्होंने देखो, अब घबराहट देखो बीजेपी के लीडरों की, कि अपने फेसबुक स्टेटस में भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का डाल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरा बयान एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ये कह रहे हैं कि ये है, ये घबराहट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घबराहट है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की, घबराहट है कि उनको अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की वीडियोस अब डालनी पड़ रही है इलेक्शन में वोटों के लिए। मैं आपको ये बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, अभी यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम है, मैं जैसे नेटवर्क आता है मैं आपको ये बयान सुनाता हूँ, या बयान सुने और इसको रिकॉर्ड करें और मैं आपको ये बयान बताऊँगा। ये बयान पब्लिक हो चुका है, वैसे भी हो सकता है। नया पैगाम देने की जरूरत नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले जलसा कालाकोट असेंबली हलके में किया और मैंने अपील की के उम्मीदवार के लिए वोट देने की। मुझे यकीन है कि वो जलसा सब लोगों ने वहाँ शिरकत की, तो मुझे यकीन है कि लोगों ने जो कुछ मैंने अपनी तकरीर में कहा वो उस पे अमल करेंगे। और हमारे जो उम्मीदवार हैं कालाकोट से ठाकर साहब, उनके हक में अपना वोट देंगे। मैं साथ ही रजौरी हलके में भी हमारे अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी अपील करता हूँ। नुशहरा से अलायंस के हमारे उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी अपील करता हूँ कि इन फिरका प्रस्त ताकतों से बचना है। और आपने ये बयान देख लिया मीडिया ने, वैसे लोगों को सबको ये बातें पता है। साथ में हम इलेक्शन कमीशन को भी और यहाँ के जो हमारे एडीसी साहब हैं उनको भी बोलना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट है उन्होंने अपने फेसबुक के स्टेटस में डाल दिया गया है। ये तो किसी पार्टी के उनका वो डालना, ये भी एक इलेक्शन में उल्लंघन होता है किसी पार्टी का यूज़ करना। मैं देखो घबराहट क्या है कि पहले ये बीजेपी में मोदी साहब का नाम यूज़ करते हैं, अब मोदी साहब को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का नाम यूज़ करना छोड़ा। ये घबराहट है और इनको ये पता है कि ये तीसरे नंबर में आ रहे हैं। अब ये इनके करने से, इनकी करनी और कथनी में वैसे भी बहुत फ़र्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और यहाँ के सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों के साथ इन्होंने पहले भी धोखा किया है और फिर ये धोखा करना चाहते हैं। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था। एक तो मैं आप लोगों का, मीडिया का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि आज मेरी कंपेन ख़त्म होने जा रही है। मैं जितनी सुंदरबनी कालाकोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप हर वक्त में हमेशा हर इंसान के साथ रहते हैं और हमेशा कवरेज अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ आज मेरा इलेक्शन कंपेन का आखिरी दिन था, क्योंकि 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि हमें अपने फ्लैग्स डाउन करने हैं और हमें अब उसके बाद कंपेन नहीं करनी है। तो मैंने कहा एक बार मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी सारी मीडिया का शुक्रिया अदा करूँ, और साथ ही साथ मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सुंदरबनी और कालाकोट की पब्लिक का, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आपको अब बता नहीं सकता। वो आपको मैं जब रिजल्ट आउट होगा उसी दिन मैं उस प्यार के बारे में बताऊंगा कि 8 तारीख को जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। और मैं अभी भी एक अपील आपके थ्रू करना चाहूँगा कि 25 तारीख को सब लोग जाके मेरे लिए वोट करें। और मुझे पता आप लोगों ने मुझे मेरे लिए वोट करना है, पर मेरा दिल कहता है कि 8 तारीख को आपने मुझे असेंबली में भेजना है। और मैं हाथ जोड़ के अपने बुजुर्गों को बोलना चाहूँगा
चाहूंगा कि अपने बेटे, अपने पोते और अपने बच्चे को वोट करें जो यहाँ का विकास कर सकता है, इन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरह झूठे वादे हम नहीं करते, खोखले वादे नहीं करते, और मैं ग्राउंड में इनको काम करके दिखाऊंगा। ये मेरा एक मैसेज है अपनी यहाँ की जनता के लिए। डिफेंस मिनिस्टर ने सेना मैदान से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 370 वापिस लाएंगे, लेकिन भाजपा ये कहती है कि अतीत का 370 बन चुका है, कभी नहीं आएगा। पहले मुझे एक चीज का, अमित शाह जी एक बहुत बड़े लीडर है, और ये अपने राजनाथ सिंह जी भी बहुत बड़े लीडर है। नौशहरा में उन्होंने बयान दिया डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने बयान दिया इस चीज का, ठीक है। मैं आपको इसमें ये छोटी सी बात बोलूंगा कि मुझे एक बात पता, जब ये सरकार में आएंगे तब कोई बात करेंगे ना, पहले तो इन्होंने सरकार में आना नहीं। 8 तारीख को आपको साबित हो जाएगा। और 370 और 35A की लड़ाई, और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कानूनी तरीके से लड़ रही है, और इसमें कानूनी तरीके से हमारी पार्टी इसमें मुहिम कर रही है। और एक बात मैं आपके आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा सारी मीडिया का, जम्मू कश्मीर के साथ पहली बार ऐसा हुआ है, और हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है किसी स्टेट को यूटी बनाया गया है। आज तक मैंने देखा यूटी से स्टेट बनाया जाता है, डिमोशन करते हुए मैंने पहली बार देखा है। ये तो इन्होंने हमारे लोगों के साथ मजाक किया था, यहाँ के लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आएगी तो हमें स्टेट का दर्जा भी वापस मिलेगा और यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट भी होगी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड केवल मात्र केंद्र सरकार ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो केंद्र सरकार ने तो उन्होंने बोला हुआ कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, उन्होंने बोला पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेट हमने वापस देने, स्टेट तो लोगों का हक है। और बीजेपी वैसे भी यहाँ पे तो आने नहीं वाली जम्मू कश्मीर में, वो तो स्टेट का हक है, वो तो लोगों का हक है, उसमें पार्टी देखो कोई भी पार्टी उसमें पार्टी मांग नहीं रही, ये तो हमारा राइट बनता है। कि मुझे आप खुद आप बताएं, आप सारे मीडिया वाले एक समझदार लोग हैं, क्योंकि हमें कभी हमें डिमोशन किस चीज़ के लिए दी बताओ, हमारी गलती क्या है, पहले मुझे बताओ गलती क्या है। ये तो इनको देना ही